हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीटिंग ट्यूटर। आइए आज मैं आपको बताऊंगी फंदे डालने का तरीका। ये मेरे नीटिंग कोर्स की दूसरी वीडियो है। आज मैं आपको फंदे डालने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। ये मैं दो तरीके से फंदे डालना बताऊंगी आपको, और जिस तरीके से भी आपको आसान लगे और आपको सूट करे आप उस तरह से डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने ऊन ली है। थोड़ा मोटा ऊन है, इसमें मैं आपको फंदे डालना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम नीचे से ये थोड़ा धागा डबल कर लेते हैं। जितने फंदे हम डालना चाहते हैं उतना ही हम ये इस तरह से डबल कर लेंगे धागे को। या आप ट्रिपल भी कर सकते हैं, या आप चार भी बना सकते हैं। ऐसे जितना मोटा आप नीचे से किनारी रखना चाहते हैं आप उतनी बनाइए। यहाँ मैंने ये दो लिया है। अब हम फंदे डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये धागा इस तरह से लेफ्ट हाथ में लेंगे और राइट में हमें सिलाई रखनी है, और इसको हम यहाँ से धागा डालना फंदे डालना शुरू करेंगे। देखिए, लेकिन सबसे पहले अगर आप शुरू में फंदे डाल रहे हैं तो ये फंदा ये धागा आपसे फिसल सकता है यहाँ से, तो आप इसमें गांठ लगा लीजिए। जब आप अच्छे से डालने लगें फंदे तब आपको ये गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब आप शुरू कर रहे हैं तब आप ये गांठ लगा लें ताकि आपके ये धागा फिसले नहीं। ये एक जगह जुड़ गए। अब आप इसको राइट हैंड में आप इस तरह से ये सिलाई लेंगे, यहाँ रखेंगे जहाँ आपने गांठ लगाई है ये। उसके बाद आप इसको यहाँ अंगूठे से दबा के रखेंगे ये धागा, और ये वाला धागा यहाँ लेंगे। यहाँ लेने के बाद आप इसके नीचे यहाँ अंगूठा लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने लिया है इस उंगली के नीचे, यहाँ मैंने अंगूठा लगा के इधर से यहाँ हमने सिलाई ली है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ धागा लीजिए, इसके नीचे अंगूठा लगाइए इस तरह से, और यहाँ से सिलाई लगाइए। ये लग गई। ये वाला जो सिंगल धागा है, पहले आप इस हाथ से सिलाई पकड़ेंगे, ये वाला सिंगल धागा है इसको आप यहाँ लेंगे सिलाई के ऊपर, और यहाँ इसको खींच के पकड़ना है। आप अगर इसे लूज पकड़ेंगे तो फंदा नहीं आएगा। इसको आपको यहाँ खींच के पकड़ना है और ये सिलाई के ऊपर से ये धागा निकाल देना है। इसको आपको खींच के ही रखना है राइट हैंड का धागा, और तब आप ये लेफ्ट हैंड वाला इस तरह से खींच देंगे। ये देखिए, सबसे फर्स्ट टाइम पे ये दो फंदे बन जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर से आप यही करेंगे, यहाँ लेंगे अंगूठा नीचे लगाएंगे, यहाँ से सिलाई लेंगे, इस तरह से सिलाई पकड़ के ये धागा लेंगे यहाँ से लेके, और फिर ये सिलाई यहाँ से निकाल देंगे। ये वाला धागा आपको पहले खींच के रखना है। अगर आपने ये लूज छोड़ दिया तो ये सिलाई में से इस तरह से फंदे बाहर आ जाएंगे। आपको ये वाला धागा खींच के ही रखना है हाथ में, तभी ये धागे ये फंदा जब आप खींचेंगे तो ये फंदे निकलेंगे नहीं। अगर आप इसे लूज छोड़ देंगे और ये वाला खींचेंगे तो आपके फंदे निकल जाएंगे, इसलिए ये वाला फंदा धागा आपको खींच के ही रखना है। और फिर से देखिए, यहाँ लेंगे धागा के नीचे लगाएंगे और यहाँ सिलाई लेंगे, सिलाई के ऊपर से धागा लेंगे और ये इसके ऊपर से उतार देंगे। ये देखिए, उसके बाद हम फिर से यही करेंगे, यहाँ लेंगे अंगूठा नीचे लगाएंगे और इसको हम इधर से लेंगे। इसी तरह से आपको जितने भी फंदे डालने हो आप ये डाल सकते हैं। देखिए, एक बार मैं फिर से दिखाती हूँ। यहाँ लीजिए, यहाँ अंगूठा लगाइए नीचे, इस तरह से ये
धागा ऊपर लीजिए और इसके ऊपर से निकाल दीजिए। ये इस तरह से फंदे बनते जाएंगे आपके। ऐसे लीजिए और ये यहाँ। ये तो हुआ हमारा एक तरीका फंदे डालने का। अब मैं आपको यही फंदे दूसरे तरीके से डालना बताऊंगी। देखिए इनको हम हटा देते हैं और दूसरा तरीका ये है। ये पहले आप ये इसी तरह से ही डबल धागा लेंगे और ये सिलाई यहाँ लेंगे। इस तरह से पकड़ना है आपको। ये धागा यहाँ लेना है, ये यहाँ लेना है, सिलाई यहाँ लेनी है। ये देखिए, उसके बाद आपको ये इसके नीचे अंगूठा लेना है और उसके नीचे उंगली लेनी है। इस तरह से लेंगे आप, यहाँ से सिलाई लेंगे और फिर यहाँ से सिलाई लेंगे और इसके अंदर से निकाल देंगे। उसके बाद हम फिर यही करेंगे दोबारा। इस तरह से लेंगे अंगूठा, यहाँ से सिलाई लेंगे और फिर इस वाली धागे में से सिलाई लेंगे और हम इसको खींच देंगे। फिर से यही करेंगे। यहाँ हमारा धागा है, देखिए ये हमने यहाँ ले रखा है। ये लीजिए आप इस तरह से, फिर ऐसे पकड़िए, यहाँ से लेना है, इधर लगानी है ये सिलाई और उधर से ये सिंगल धागा लेना है, यहाँ से ये उसके ऊपर पलट देना है। यहाँ से लेंगे ये, देखिए ये बिल्कुल उसी तरीके से आएंगे जो मैंने अभी पहला मेथड बताया आपको। यहाँ से देखने में ये बिल्कुल उसी तरीके से आएंगे, बस थोड़ा मेथड अलग है ये। जो भी आपको इजी लगे दोनों में से आप उसी तरह से डालिए। इसलिए मैंने दो तरीके बताए हैं फंदे डालने के, जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से डालिए। ये देखिए एक बार और बताती हूँ मैं, इस तरह से यहाँ से लेंगे, से यहाँ लेंगे, ये लेंगे, इसी तरह से आप बढ़ाते जाएंगे। आपको जितने भी फंदे चाहिए आप उतने डालते जाइए। ये देखिए दो तरीके से बता दिए हैं मैंने। अब मैं आगे आपको बुनाई करना बताऊंगी अगली वीडियो में। यहाँ मैंने ये फंदे डालना बताए हैं। और अगर आपको ये एक ही बार में, हो सकता है आपको एक बार में या दो बार में ये सही से ना आए, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये आपको डालने आएंगे। शुरू शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि सिलाई से फंदे निकल जाते हैं डालते टाइम पे, तो आप उसको फिर से डालिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आपको ये डल जाएंगे। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।